सो हेलो गाइज, वेलकम टू द टेक स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर टॉप 5 पावरफुल गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताने वाला हूँ अंडर 60,000 रुपीज़ के अंदर। अगर आपका बजट 60,000 रुपीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ऑटो कैड, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, कोडिंग, जो कुछ भी आप एक लैपटॉप के अंदर करना चाहते हैं वो सारे काम आराम से कर पाएंगे। जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 लैपटॉप्स बताने वाला हूँ, सारे के सारे काफ़ी पावरफुल, काफ़ी तगड़े होने वाले हैं। तो आज का वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है एसर का एस्पिरेंट 7, जो कि आपको इसके पहले 57,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिलता था। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर डाल के दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपको i5 का 10th जनरेशन देखने को मिल जाता है, 8GB का रैम और 512GB का SSD भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको विंडोज़ 10 होम के साथ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4GB का NVIDIA GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसका जो वेट है वो अप्रॉक्स आपको 2.15 kg का वेट भी देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल अब इसका प्राइस जो है फ्लिपकार्ट के अंदर 50,000 रुपीज़ के अंदर स्टार्ट होता है। और यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको ये 46,000 रुपीज़ के अंदर अप्रॉक्स पड़ जाएगा। तो 46,000 रुपीज़ के अंदर ये एक किलर डील होने वाला है दोस्तों। अगर आपका बजट टाइट है तो आप इस लैपटॉप की तरफ देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 4th प्लेस पर आता है एसर एस्पिरेंट 7 का ही दूसरा मॉडल, ये जो कि 2021 का एडिशन है। यहाँ पर आपको राइजन 5 5500U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि ये 8GB का रैम, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और साथ ही साथ 512GB का SSD भी देखने को मिल जाता है, जो कि विंडोज़ 10 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 4GB का ग्राफिक्स कार्ड, NVIDIA GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसकी वेट की बात करें तो अप्रॉक्स आपको 2.5 kg का इसका वेट होने वाला है। और आपका प्रेजेंट इसका जो प्राइस है वो आपको 55,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सेम एज यूजुअल ICICI या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो और 4,000 रुपीज़ का ऑफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 51,000 रुपीज़ में आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट टाइट है, 50,000 से आपको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो आप ये लैपटॉप की तरफ भी देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है लेनोवो की तरफ से लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप, जहां पर आपको इंटेल i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको एक 15.6 inches की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि 8GB का रैम के साथ देखने को मिल जाता है। आप फ्यूचर में इसे अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको 1TB का HDD देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, यहां आपको SSD देखने को नहीं मिलता, HDD ही देखने को मिलता है। यहां थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। साथ ही साथ आपको विंडोज़ 10, जो कि NVIDIA GX 1650 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका वेट जो है कुल मिलाकर आपको 2.2 kg का पड़ेगा। तो मतलब ये भी एक अच्छा डील है, जो कि अप्रॉक्स आपको 55,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको HDFC का बैंक कार्ड यूज़ करेंगे तो ये मतलब ये अमेज़न में आपको ये लैपटॉप देखने को मिलता है, तो भी एक अच्छा डील होने वाला है। आपका प्राइस जो कि 51-52,000 का अराउंड है, तो आप इसके और भी देख सकते हैं। और सेकेंड प्लेस पर आता है HP के तरफ से HP पवेलियन राइजन 5 5600H। यहाँ पर आपको एक 15.6 inches का फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 8GB का रैम, जिसे आप फ्यूचर के अंदर अपग्रेड भी कर सकते हो। तो 512GB का SSD भी देखने को मिल जाता है, जो कि फास्ट आपको यहाँ पर स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 होम भी देखने को मिल जाएगा, 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जो कि GTX 1650 का देखने को मिल जाएगा। 60,000 रुपीज़ का आपका बजट है, 60,000 रुपीज़ से आप एक रुपया भी ज़्यादा ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर यू। ये यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल का किलर डील देखने मिल जाता है। इसके पहले इसका प्राइस 64,000 रुपीज़ के आसपास था, इस सेल के अंदर 60,000 को आ गया है। और बैंक कार्ड लगेंगे तो और भी आपको 4,000 का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो टोटल मिलाकर ये आपको 56,000 रुपीज़ के अंदर HP पवेलियन रेजन 5 5600H का आराम से आप इसे परचेस कर सकते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 1 प्लेस पर आता है ASUS की तरफ से ASUS TUF F15। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न पर इसका सेल चल रहा है। यहाँ पर इसका जो लगभग आपका प्राइस जो है 63,000 रुपीज़ का, ये लैपटॉप आप एक ऑलराउंडर लैपटॉप कह सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, ऑटो कैड, कोडिंग, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं डाल के दिखा देता हूँ, सारे स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप ज़रूर से वहाँ पर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 5 लैपटॉप्स मुझे अच्छे लगे हैं 60,000 रुपीज़ के अंदर, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। अगर आप ऑटो कैड,
एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑटो फोटोशॉप, ऐसे की जो कुछ भी करना चाहते हैं सब भी इसके अंदर एकदम आराम से कर सकते हैं। तो भयंकर से 5 लैपटॉप्स मुझे सेल के अंदर लगे हैं। अगर आप कार्ड्स यूज़ करेंगे तो और भी अच्छे आपको प्राइस में मिल जाएंगे, नहीं है तो भी आपको देख लीजिएगा, आप आपका फ्रेंड के पास है तो उससे बात करके थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये 5 लैपटॉप्स मुझे 60,000 रुपीज़ के अंदर अच्छे लगे हैं। आपको चाहिए तो नीचे लिंक्स दे दूंगा मैं, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो के अंदर इतना ही है। आई होप कि आज का वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।